हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज ऐप का। इस ऐप को अगर आप जो है इस ऐप में अगर आप ट्रेड कर अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो करेंसी या फिर जो है मतलब जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डॉक्स या पेपे, ये जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आप इसमें जो है ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज ऐप में ट्रेड करना होगा। हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इसमें अगर आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना कैपिटल देना होगा या आप इसमें कितने रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आप मिनिमम 500 रुपए से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप अगर बिगनर हैं या फिर न्यू है इस मार्केट में तो कभी भी आप 10,000 या 20,000 से ट्रेड करिए। मैं आपसे कहूंगा कि आपका जितना भी कैपिटल कम हो उतना अच्छा है, लेकिन आप याद रखिए इसमें आपको ट्रेड करने के लिए लगभग 300 या 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा उससे कम नहीं लगेगा। जिसमें आपको 0.001 काउंट से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो इतना आपका कैपिटल लगेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको अगर फंड सबसे पहले बता दूं कि आपको यहां पर फ्यूचर में ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो अगर आप न्यू हैं तो काफी दिक्कत हो सकता है। अभी जो है हमारे पास भी एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, फिर भी मैं फ्यूचर में ही ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में नहीं। इंडियन मार्केट में हमने ऑप्शन में ट्रेड किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर अभी मैं इसको कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूँ, तो अभी मैं यहाँ फ्यूचर में ही आपको भी सलाह दूंगा कि आप फ्यूचर में ही ट्रेड करिए। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें आपका पैसा भी टाइम के हिसाब से गलता चला जाएगा। तो सबसे पहले मेरा सलाह है कि आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। फिर आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इसमें ऐड फंड करना चाहते हैं, पैसे को ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड फंड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है यूपीआई के माध्यम से और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दो ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको अपना अमाउंट कम या ज्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर एक यूपीआईडी शो होगा, आप उस पे उसको सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे पे नाउ पर, या याद रखिए आपका यहाँ फीस 0 लगेगा और इस्टीमेट टाइम जो है 15 मिनट है या फिर मैक्सिमम टाइम 24 घंटे हैं, जहां तक कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके पैसे ऐड हो जाते हैं और विड्रॉल भी हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर। जब यहां पर आप इसको पे नाउ करेंगे, पे नाउ के बाद आपके यूपीआई आईडी पर एक जो है वेरिफिकेशन का कोड वो जाएगा, कोड जाएगा, वहां पर आपको रिक्वेस्ट जाएगा और वहां से आप उसको पे कर दीजिए। उसके बाद में आपको मैं यहां पर ले चलता हूं मार्केट की तरफ। ये हमारा मार्केट दिखाई दे रहा है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है। हम बिटकॉइन पर क्लिक करते हैं, यहां पर बिटकॉइन का चार्ट शो होने लगा है। अब आप इसको देख सकते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है हमारा चार्ट शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए सपोर्ट वो होता है जहां से कई बार मार्केट आकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसको एक सपोर्ट नाम दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूं तो यहां पर एक बार सपोर्ट बन रहा है, 1, 2, 3, मतलब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सपोर्ट है। और यहां से भी एक बार मार्केट रिवर्स हुआ था नीचे की तरफ, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस का काम हो कर रहा था ये। उसके बाद आपको एक सपोर्ट का एग्जांपल दो तो आप इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट कह सकते हैं, जो कि ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। यहां पर एक बार मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर आप देख सकते हैं कई बार ऊपर और नीचे गया है, लेकिन नीचे नहीं जा पाया क्योंकि यहां पर बायर काफी एक्टिव है। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है लोग बाय कर लेते हैं, फिर आता है फिर लोग बाय कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा और स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करना है कि हमें सपोर्ट कहाँ लगाना है, रेजिस्टेंस कहाँ लगाना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि ये जो है इतने सारे टूल्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ये रहा आपने कई बार एक ये पोजीशन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, बहुत सारे लोग इस तरह लगा के रखते हैं। एक्चुअली में ये बाय और सेल इस तरह नहीं होता है, ये हमारा एक व्यू होता है जो हम इस पर सेट कर देते हैं कि हाँ मार्केट हमारा
ऊपर तक जाएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा और नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस। और ये पॉइंट जो होता है ये हमारा बाइंग पॉइंट होता है कि हम इसको यहां पर बाय किए हैं, ठीक है। और सेम ही आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। याद रहे हमें सिस्टम पे बाय और सेल करना है, अभी हम यहां पर बाय और सेल नहीं किए हैं। ये सिर्फ एक व्यू होता है कि यहां अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम यहां पर एग्जिट क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जाएगा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है, ये एक व्यू है। सेम वैसे ही यहां पर आपको एक शॉर्ट भी दिखाई देगा, आप इसे जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहां पर अपना टारगेट लगा देंगे, ठीक है, ये भी एक व्यू ही है। उसके बाद में अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जो ये हमें एक रेंज वाली रेजिस्टेंस दिखाई देती है तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। बस एक मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको अभी मैं ज्यादा गहराई से आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं यहां पर आपको एक व्यू देने आया हूं बस। फिर उसके बाद में अगर आप यहां पर सेल करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना लेवरेज 25x से ज्यादा मत करिए। आप इसको यहां अपना लेवरेज कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 100 कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहां पर इसको 25 भी कर दिया है, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अगर अब हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद लिमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम पहले ही सेट कर सकते हैं कि मार्केट कहां जाए तो हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाए। जैसे कि अगर हम यहां बेस्ट बिड पे क्लिक करेंगे तो ये तुरंत जहां का तहां हमें यहां पर बिड मिलता जाएगा, क्लिक करते जाएंगे बिड हमें मिलता जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से डालना चाहते हैं, जैसे कि मार्केट चल रहा है 91,066 पे, तो हम इसको डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा मोड है कि 91,600 चल रहा था तो मैं यहां पे 700 डाल दिया, ठीक है, 91,119 चल रहा है, सॉरी काफी ऊपर हमने डाल दिया यहां पर 91,000, जैसे मान लीजिए हमने 200 डाल दिया, 91,200 डाल दिया। अब मार्केट जैसे ही 200 पर जाएगा और यहां पर हम सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये तुरंत सेल हो जाएगा। और ये जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा कैपिटल है कि हम अपना कितना कैपिटल यूज करना चाहते हैं। अगर हमने यहां पर मान लीजिए अपने अकाउंट में 10,000 डाल के रखे हैं और हमने 50% पे क्लिक कर दिया तो हमारा जो है 50% कैपिटल यूज होगा, यानी 5,000 रूपये। उसका मार्जिन भी हमें यहां दिखाई देता रहेगा। फिर उसके बाद में हम यहां पर सेल कर देंगे। सेल करने के बाद हमारा यहां पर एक पोर्टफोलियो चलने लगेगा, तुरंत हमें यही लॉस और प्रॉफिट यहीं पर दिखाई देने लगेगा। और उस चीज को अगर हम तुरंत कट करना चाहेंगे तो वहां पर एक एरो होगा, उसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर एक बड़ा सा ऑप्शन आ जाएगा क्लोज मार्केट का। एक तरीका यह है मार्केट क्लोज करने के लिए, आपका पोर्टफोलियो तुरंत बंद करने के लिए। और दूसरा यह है कि आप अपना टारगेट भी लगा सकते हैं। जब आप यहां पर बाय या सेल कर चुके होंगे, जब यहां पर आप बाय या सेल कर चुके होंगे तो आपका यहां पर पोजीशन में यहां पर भी प्रॉफिट और लॉस आपको दिखता रहेगा। उसके बाद में यहां पर भी कैंसल का ऑप्शन रहेगा कि आप मार्केट को तुरंत क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहीं पर आप जो है अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, वो लगाने का ऑप्शन यहीं पर आपको शो होगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जब आपका ये स्क्रीन छोटा सा दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा तब आप यहां पर क्लोज मार्केट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत यहां पर बड़ा सा ऑप्शन आ जाएगा मार्केट क्लोज करने के लिए। जब आप यहां पर टारगेट लगाएंगे, जैसे कि अगर आप सेल करके रखे हैं तो जब आप सेल करके रखेंगे तो आपका टारगेट नीचे की तरफ होगा, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ। याद रखें स्टॉप लॉस आपको जरूर यूज करना है और टारगेट भी यूज करिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट इस तरह का आप जो है विक्स देख रहे हैं तुरंत टच करके ऊपर चला जाता है, तो ताकि आपका टारगेट भी हिट हो जाए। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं ये है, अगर आप इस तरह से मार्केट को बढ़ा करके रखेंगे और अपने पोजीशन को जब यहां पे डायरेक्ट क्लिक करना चाहेंगे, जब आपका यहां पर एक एरो टाइप का चलता है, एक लाइनिंग का क्रॉस छपा रहेगा, आपका पीएनएल उसी पे दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट और लॉस, जब उस पे आप क्लिक करेंगे तब आपका मार्केट क्लोज का ऑप्शन तुरंत नहीं आएगा, आपको इसको छोटा करना होगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद ही आपको शो होगा। देखता हूं अगर कोई यहां पर बाय और सेल का मूड बनता है तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहां पर
एक मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेट कर लिया है, यहाँ पर मार्केट अभी उसी सपोर्ट के रेंज के अंदर ही फंसा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं आपको यहाँ पर बाय और सेल करके नहीं दिखा सकता, किसी और वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। और ये हम जो है, अच्छा ठीक है, अगर आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो इंडिकेटर आप यहां से यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर वो होता है जिसमें आपको बाय और सेल का सिग्नल दिखाई देगा, आपको उसको समझना होगा। जैसे कि मैं यहां पर जो इंडिकेटर लगा के रखा हूं, आप इसको देख सकते हैं, जब इस लाइन को टच करके लगभग 30 डिग्री या 45 डिग्री जब आप साइड की ऊपर बनाता है तो हम यहां से इसको बाय कर लेते हैं। अपना अपना सेटअप होता है और अपना अपना तरीका, हमारा निकलने का भी तरीका है और एंट्री करने का भी। तो चलिए ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, बाय बाय।